नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं CSC नॉलेज बेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में। ये मुख्य रूप से निम्न आय वर्ग से संबंधित महिलाओं के लाभ के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। यह उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करेगा और साथ ही वे अपना सिलाई का काम भी शुरू कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये योजना में फ्री में सिलाई मशीन दी जाएगी। इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन अभी सरकार की तरफ से स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। अगर भविष्य में ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं तो मैं आपको चैनल के माध्यम से वो अपडेट जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको योजना से जुड़े उद्देश्यों के बारे में बता देता हूं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाना है, जिससे उनकी समग्र स्थितियों में सुधार हो सके। ग्रामीण निम्न आय वर्ग की महिलाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने में इससे फायदा मिलेगा। मुफ्त सिलाई मशीनों के प्रावधान से महिलाएं अपनी सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू कर सकेंगे। इसका उद्देश्य समग्र रूप से महिलाओं के समग्र सामाजिक आर्थिक कल्याण की स्थिति में सुधार करना है। तो आइए आप जान लेते हैं कि इस योजना से क्या कुछ लाभ मिलने वाला है। बात करें इस योजना से जुड़े लाभ की, तो यह योजना पात्र महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन प्रदान करेगी। यह उन्हें उपयुक्त रोजगार के अवसरों के लिए रोजगार योग्य बना देगा। यह उन्हें विभिन्न रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। इस योजना के तहत निम्न आय वर्ग या फिर गरीब श्रेणी से संबंधित ग्रामीण और शहरी दोनों महिलाओं को इस योजना में शामिल किया गया है, तो दोनों तरीके के महिलाओं को इस योजना से फायदा मिलने वाला है। इससे देश भर में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। और अंत में मैं आपको बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इस योजना में आवेदन के लिए, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस योजना में पात्रता मानदंड यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही परिवार की वार्षिक आय 12,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार का निवासी होना चाहिए। वर्तमान में ये योजना इन्हीं राज्यों में चल रही है और जल्द ही इसे पूरे देश में शुरू किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, तो वो भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, PWD प्रमाण पत्र अगर जरूरी हो तभी देना होता है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र जो तहसीलदार से आपको बनवाना होगा, जाति प्रमाण पत्र, विधवा या फिर निर्जन पत्नी के मामले में आपको उसका भी प्रमाण पत्र देना होगा, टेलरिंग जानने का प्रमाण पत्र यानी आप किसी भी स्थिति में अगर आपने थोड़ी सी भी टेलरिंग का काम सीखा है तो वो भी आपको देना ज़रूरी है। इसके अलावा मोबाइल नंबर और अंत में पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और अब आप जान लीजिए कि आप आवेदन कैसे करेंगे। इस योजना में आवेदन के लिए आपको महिलाओं की आर्थिक राष्ट्रीय पोर्टल india.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर जाने पर आपको PDF फॉर्म में इस योजना से जुड़ा फॉर्म मिल जाएगा। आपको वो डाउनलोड करना है और प्रिंट कर लेना है। इसके साथ ही इसमें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट डिटेल्स मांगी गई है उसमें आपका पूरा नाम, जेंडर, एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और आपकी वार्षिक आय, ये सभी आपको फिल करनी है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको इस फॉर्म के साथ साइन करके अटैच करना है। जब आप इस फॉर्म को भर लेते हैं और सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट को साइन करके इसमें अटैच कर लेते हैं, तो आपको उससे संबंधित अपने आसपास के ब्लॉक या कार्यालय में जाना होगा और उस फॉर्म को जमा करना होगा। जमा करने के बाद फॉर्म की जांच और वेरिफिकेशन की जाएगी और फिर पात्र आवेदकों को सिलाई मशीन प्रोवाइड की जाएगी। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि झूठी या धोखाधड़ी जानकारी के मामले में आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और हो सकता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। तो अगर आप इस योजना के लिए खुद को पात्र मानते हैं तो ही आवेदन करें। तो मिलता हूँ एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।
मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।